सुंदरवन जंगल में एक आम का बगीचा था। उस बगीचे के पीछे एक पक्की रोड थी, परंतु उस रोड पर कोई आता जाता नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा कुल्फियाँ बेचा करती है, और जो कोई भी उसकी कुल्फियाँ लेता था वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके पीछे पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन गोलू और पिंकी नाम के दो बच्चे गर्मियों की छुट्टी में जंगल घूमने जाते हैं। दादी देखो, हम आपके पास आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, इतने दिनों बाद आए हैं। चलो तुम दोनों को मैं जंगल घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलकर बबली कबूतरी पिंकी और गोलू को घुमाने ले जाती है। दादी उन्हें आम का बगीचा, अपने खेत और पेड़ पौधे दिखाती है। तभी गोलू की नज़र आम के बगीचे के पीछे वाली रोड पर पड़ती है। दादी, हम पक्के रास्ते से घर चलेंगे, वो जो आम के बगीचे के पीछे रोड है ना, उससे। नहीं बेटा, उस रास्ते से गलती से भी मत आना जाना, वो रास्ता सही नहीं है बेटा। पर क्यों दादी? बेटा, जंगल के कई पक्षियों ने वहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखा है। मैंने भी यही सुना है कि वो चिड़िया की आत्मा जिस भी पक्षी से बात करती है वो उसी के साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उनके घर वालों को मार डालती है। इसलिए बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये कहकर बबली बच्चों को घुमा कर घर वापस ले आती है, परंतु अभी भी गोलू का पूरा ध्यान उसी रोड पर होता है। पिंकी, तुझे आम खाना बहुत पसंद है ना? चल आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ से कुछ आम तोड़कर लाते हैं। गोलू, तुझे दिख नहीं रहा है, रात होने वाली है और माँ ने मना किया है। अरे पागल, रात में ही तो हम सबकी नजरों से छुपकर आम तोड़ सकते हैं, रात में हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इस बात को कहकर गोलू पिंकी को मना लेता है और दोनों भाई बहन आम के बगीचे में चले जाते हैं। गोलू कुछ आम तोड़कर पिंकी को देता है। अब चलते हैं, देख रात हो रही है, दादी और माँ हमारी राह देख रही होंगी ना गोलू। अच्छा ठीक है, हम इस पक्के रास्ते से जाते हैं, रोड से जाएंगे तो घर जल्दी पहुँच जाएंगे। पिंकी गोलू चिड़िया को काफी समझाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है और गोलू उसी पक्के रास्ते से जाता है। वहाँ उसे चिड़िया कुल्फी बेचते हुए दिखाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, रंग बिरंगी तरह तरह की स्वाद की कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी, आओ बेटा कुल्फी ले लो। कुल्फी देखकर गोलू के मन में लालच आ जाता है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से बोलता है, क्या आप कल भी यहाँ पर रहेंगी? मैं आपसे कल आकर कुल्फी ले जाऊँगा, आज मैं पैसे लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ऐसे ही कुल्फी ले लो, और अगर कल यहाँ आ पाए तो तुम मुझे कल पैसे दे देना। अभी तुम ये कुल्फी ऐसे ही ले जाओ, और वैसे भी जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं मैं उनसे पैसे नहीं लेती, मैं अपनी कुल्फी उन्हें फ्री में देती हूँ। सच में आप कितनी अच्छी हो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को कुल्फी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। मुझे तो पहले से ही पता था, कोई भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं होती। वो आंटी कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फ्री में कुल्फी दे दी। गोलू कुल्फी खाते हुए घर पहुंच जाता है और पिंकी को सब बात बताने लगता है। तभी उन्हें उस भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, रंग बिरंगी कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी। पिंकी, ये तो उसी कुल्फी वाली की आवाज़ है जिससे मैंने ये कुल्फी खरीदी थी, पर वो यहाँ कैसे आ गई? वो दोनों अपनी छत पर जाते हैं। वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में कुल्फी बेच रही थी। आओ बच्चों, ये कुल्फी खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पिंकी और गोलू को मारने वाली होती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। टुनटुनी और बबली कबूतरी हाथों में दुर्गा माता की मूर्ति लिए घर के अंदर आ रही थी। तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। गोलू अपनी माँ टुनटुनी को सारी बात बताता है। मुझे सब पता है बेटा, जब तू कुल्फी खाते हुए घर आ रहा था मैंने तभी तुझे रास्ते में देख लिया था, क्योंकि हमारे जंगल में कोई कुल्फी नहीं बेचता और तू कुल्फी खा रहा था। मैं समझ चुकी थी ये काम उसी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का है, इसलिए मैं तेरी दादी के साथ मंदिर गई और वहाँ से पवित्र देवी माँ की मूर्ति लेकर आ गई। अब हमारे घर में वो भूतिया चिड़िया की आत्मा कभी नहीं आ पाएगी।
माँ, वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुल्फियाँ बेचकर पक्षियों के घरों में आती है। बेटा, आज से कई साल पहले उस रोड पर एक चिड़िया कुल्फी बेचा करती थी, परंतु उनकी कुछ दुश्मनों से उसकी तरक्की नहीं देखी गई और उसकी कुल्फी में उन्होंने जहर मिला दिया। वो कुल्फी जब बच्चों ने खाई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ की तो जान चली गई, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता ने उस चिड़िया को खूब मारा, वो बेचारी वही मर गई। बस तभी से वो जंगल वालों को तंग करती है बेटा, इसलिए जंगल वालों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया। पर आज भी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसी जगह पर रात को अपनी कुल्फियाँ बेचती है। ये सुनकर गोलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ और दादी से माफी मांगता है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जंगल में मजदूरी करता था। एक दिन वो काम से जल्दी घर लौट आया। क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी काम से क्यों लौट आए, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं जहां काम करता था वहां के मालिक ने कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया और उनमें से मैं एक हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा? तुम चिंता मत करो जी, कोई दूसरा काम मिल जाएगा। चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवे को कोई काम नहीं मिलता। वो रोज सुबह काम की तलाश में जाता और शाम होते ही खाली हाथ घर वापस आ जाता। इस तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी किसी काम से जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली बबली कबूतरी मिलती है। अरे टुनटुनी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, घर में सब ठीक है ना? कहाँ कुछ भी ठीक नहीं है बबली कबूतरी, पति की नौकरी कई महीने पहले ही छूट गई है, अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मन करता है जान दे दूँ, मुझसे अब कालू कौवे की बेबसी नहीं देखी जाती। सुन टुनटुनी, तुझे तो पाव भाजी बनाने आती है ना, तू पाव भाजी बनाने का काम क्यों नहीं करती? और अभी जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो तुम मुझसे उधार ले लेना और वक्त आने पर लौटा देना, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और तुझे अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही बबली, मैं कल से ही पाव भाजी बनाकर जंगल में बेचने का काम शुरू करूंगी। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी को पैसे देकर अपने घर चली जाती है। घर आते समय टुनटुनी चिड़िया बंडी कबूतर की दुकान से पाव भाजी बनाने का सामान लाती है। अगले दिन से ही जंगल में ठेले पर पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। पाव भाजी ले लो, गर्मा गर्म पाव भाजी ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगी। पाव भाजी ले लो, आओ हरी तोती पाव भाजी खाकर देखो, बड़ा मजा आएगा। जल्दी टुनटुनी पाव भाजी बेचने वाली चिड़िया के नाम से जंगल में मशहूर हो जाती है। उसे पास वाले जंगल से भी बुलावा आने लगता है। एक रात जब टुनटुनी पास वाले जंगल में पाव भाजी बेचकर लौट रही थी, तभी उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे ओ पाव भाजी वाली चिड़िया, तूने तो मुझे पाव भाजी खिला ही नहीं, चल जल्दी से मुझे पाव भाजी खिला। टुनटुनी जैसे ही पलट कर देखती है, वहाँ उसे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखते ही टुनटुनी डर जाती है। आप कौन है, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रही होंगी, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तू मुझे पाव भाजी खिलाए बगैर नहीं जा सकती, मैं इस जंगल की भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनी हूँ, चल अब जल्दी से मुझे पाव भाजी बनाकर खिला। टुनटुनी चिड़िया भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पाव भाजी बनाकर खिला देती है। ये ले अपना इनाम, पाव का पैकेट, आगे से तू सभी पक्षियों को इस पाव के साथ ही अपनी भाजी खिलाएगी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी और तुझे खा जाऊंगी। डरते डरते टुनटुनी पाव के पैकेट ले लेती है। अगले दिन से वो ना चाहते हुए भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के दिए हुए पाव को ही पक्षियों को खाने के लिए देती है। अब जो भी पक्षी टुनटुनी की पाव भाजी खाता उसकी मौत हो जाती। आधी रात को जिसने भी टुनटुनी की पाव भाजी खाई होती वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसका खून पी जाती, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। जंगल में रोज रोज होने वाली मौत से जंगल के सभी पक्षी घबरा जाते हैं। पक्षी गुस्से में टुनटुनी के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी आजकल तू ये कैसी पाव भाजी खिला रही है, जिसे भी तू पाव भाजी खिलाती है उसकी मौत हो जा रही है। कड़कना
सेठजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक दिन मैं जंगल से पाव भाजी बेचकर वापस लौट रही थी, तभी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे पाव भाजी खाने को मांगी और ये पाव मुझे इनाम में दिए। आजकल मैं इसी पाव को अपनी बनाई हुई भाजी के साथ बेचती हूँ। टुनटुनी, तू जल्दी से इस पाव को जला दे। इसी जादुई पाव की वजह से जंगल के पक्षियों की मौत हो रही है। टुनटुनी पाव को आग से जलाने लगती है, तभी वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो, रुक जाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। टुनटुनी रुक जा, छोड़ दे मुझे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बात को अनदेखा करके टुनटुनी उस पैकेट को जला देती है। पाव के साथ साथ वो भूतिया चिड़िया की आत्मा भी जलकर भस्म हो जाती है। उस दिन के बाद से जंगल में पाव भाजी खाने के बाद फिर किसी पक्षी की मौत नहीं हुई। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बनाई हुई पाव भाजी बेचने लगी।